इस एनिमेटेड सीरीज से मैंने काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई थी। जिस दिन ये एनिमेटेड सीरीज रिलीज हुई थी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, मैंने उसी दिन इस सीरीज को देख लिया था, लेकिन ये सीरीज खैर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टर्मिनेटर जीरो एनिमेटेड सीरीज के बारे में। आप इसको नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। इसके अंदर 8 एपिसोड आपको देखने को मिलने वाले हैं और जिस दिन ये रिलीज हुई थी उसी दिन मैंने देखा, लेकिन इसका रिव्यू उसी दिन नहीं कर पाया, उसके अगले दिन नहीं कर पाया। वही आलस वाला रीजन है, हर वीडियो के अंदर यही आलस वाला रीजन चेप देता हूं, वही समझ लो। तो हम बात करेंगे कि क्या ये हमारी उम्मीदों पर खरी उतरती है, नहीं उतरती तो क्या इसके अंदर कमियां हैं, इस पर जाएंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं इसके अंदर हमें क्या कहानी देखने को मिलने वाली है। अगर आपने टर्मिनेटर की जो लाइव एक्शन वाली मूवीज देख रखी हैं, तो आपको ऑब्वियसली इसकी कहानी तो पता ही होगी, क्योंकि वही सेम पैटर्न के ऊपर ये मूवी बनाई गई है। अगर नहीं पता है तो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, भविष्य से एक सोल्जर जो वो अतीत में यानी पास्ट में आता है, क्योंकि जो भविष्य के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका नाम स्काईनेट है, जो इंसानों को अपना दुश्मन मान चुकी है, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा पावरफुल है, वो खुद सोच सकती है, खुद अपने आप को डेवलप कर सकती है, और उसने इंसानों को अपना दुश्मन मानकर इंसानों को खत्म करने का फैसला कर लिया और वो मारे जा रही है। तो इस चीज को रोकने का एक ही तरीका होता है कि इस टेक्नोलॉजी को बनने से ही रोक देना। ऑब्वियसली जो टर्मिनेटर लाइव एक्शन मूवीज थी उसके अंदर हमें वही कहानी दिखाई गई है, सेम उसी के ऊपर तो आधारित है। तो अब इस चीज को रोकने के लिए यानी पास्ट में एक सोल्जर आता है 2022 से 1987 के अंदर, जहां पर इस टेक्नोलॉजी को बनने से रोकने के लिए भाई इसको रोका जाए। जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट है, मैकलम ली जो इसके अंदर दिखाया गया, जो इसी तरीके की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, ताकि उसको रोका जाए, उसको बताया जाए कि देखो ये टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा खतरनाक है, कितने लोगों को ये मार देगी, दुनिया तबाह कर देगी। तो उसको रोकने और उसको बचाने के लिए एक सोल्जर जो है 2022 से 1987 के अंदर आता है। तो कैसे वो उसको रोक पाता है, कैसे उसको ये बचा पाता है, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए तो आपको ये एनिमेटेड सीरीज देखनी पड़ेगी। तो ये हो गई इसकी कहानी। हम बात करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या अच्छा देखने को मिलने वाला है, या क्या वो चीजें हैं कि हमें ये सीरीज देखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे बढ़िया बात जो मुझे इस सीरीज के अंदर लगी वो है इसकी कहानी, जो एक नई कहानी हमें देखने को मिलती है। हाँ, हालांकि उस कहानी तक जाने के लिए कुछ पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, कुछ धैर्य आपके अंदर होना चाहिए, लेकिन जब आप वहां पर पहुंचेंगे उस मतलब जो कहानी नई एक तरीके की कहानी आपके सामने आती है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। मतलब एक ऐसी सोच, ऐसी एक ट्विस्ट सरप्राइज जो उसके अंदर रखे गए हैं वो आपको बहुत ज्यादा हैरान करते हैं। और मेरा ये टर्मिनेटर जीरो एनिमेटेड सीरीज देखने के पीछे रीजन ये था कि मैंने की लाइव एक्शन मूवीज देख रखी हैं, वो मुझे काफी ज्यादा पसंद थी, एक तरीके से समझो कि वो एक यादों से जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पर इस सीरीज को देखने को एक मौका मिल रहा था कि यार अपनी यादें फिर से ताजा हो जाएंगी, और यहाँ पर ऑब्वियसली एनिमेटेड सीरीज है तो एक फ्रीडम मिलती है आर्टिस्ट को, जो मेकर्स हैं उनको, कि बहुत एक बढ़िया तरीके से एक आर्टिस्टिक व्यू से फ्रीडम है, बहुत व्यापक तौर पर आप चीजों को दिखा सकते हैं। तो इस उम्मीद से भी मैंने इस सीरीज को देखा। तो बाकी इसकी स्टोरी काफी बढ़िया है, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि हाँ बस इतना ही अच्छा है इस सीरीज में। हम बात करते हैं कि इसके अंदर कमियां क्या है। देखो, जैसे मैंने कहा इसके अंदर 8 एपिसोड हैं और आपको काफी सारा संयम रखना पड़ेगा कि जो इसके लास्ट के जो 2 एपिसोड है जिसके अंदर आपको काफी सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, जहां पर आपको पता चलता है कि कौन कहां से आया है, किस लिए आया है, कौन किसके लिए काम कर रहा है, जो सरप्राइज में आपके लिए वहां पर रखे गए हैं, तो वो 2 एपिसोड लास्ट के होते हैं। और मुझे लगता है कि यार बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि अपने आप को संयम रख पाएंगे, धैर्य रख पाएंगे उन 2 एपिसोड तक पहुंचने के लिए, क्योंकि जिस तरीके का फर्स्ट एपिसोड ही इसके अंदर हमें देखने को मिलता है यार, वो बहुत ज्यादा बोरिंग होता है। जितनी उम्मीदें इस सीरीज से लगाई थी वो उन उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतरती। इतने बोरिंग इसके अंदर फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिल रहे हैं, यार एनिमेटेड सीरीज देख रहे हैं उसके अंदर इतने खराब फाइटिंग सीक्वेंस, यार वो मतलब वो सच में इसका फर्स्ट एपिसोड यार मैंने बहुत मुश्किलों से वो देखा है। इस सीरीज को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि यार ये यादों को तो ताजा नहीं करने आई है, लेकिन हाँ जो यादें हमारी टर्मिनेटर लाइव एक्शन मूवी से जुड़ी हुई हैं उनको कहीं ना कहीं ये बर्बाद करने का काम करती हैं। क्योंकि आप फाइटिंग सीक्वेंस की बात कर लो, आप इसके अंदर इंटरेस्ट लेवल की बात कर लो, पहले 6 एपिसोड के अंदर वो भी बिल्कुल बेकार है, फाइटिंग सीक्वेंस खराब है। एक टर्मिनेटर के साथ जो फाइट हो रही है किसी आम इंसान की, वो यार लगता ही नहीं है कि यार मेकर्स ने मेहनत की है इसको बहुत अच्छा एक टच देने की, नहीं वो बहुत वीक है। और जो इसमें एक साइंटिस्ट है मैकलम, उसको बचाने के लिए जो सोल्जर आता है, और मैकलम के जो 3 बच्चे इसके अंदर दिखाए गए, वो ये जो सीरीज है उन्हीं 3 बच्चों को बचाने में दिखा दी गई। मतलब वो बच्चे कहीं गायब हो रहे हैं तो उनको ढूंढने में लग गए हैं, कभी उन बच्चों को किडनैप कर लिया तो उन किडनैप से बचाने के लिए लग गए हैं, बाकी अदर एस्पेक्ट्स के ऊपर बड़ी अलग चीजों
चीजों के ऊपर इसमें ध्यान नहीं दिए गए, हालांकि उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए था। ये सीरीज काफी अच्छी हो सकती थी, बहुत पोटेंशियल था इस सीरीज के अंदर अच्छा होने का। यार मैं एनिमेटेड सीरीज या एनिमे जो होती है उनके मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि यार उसके अंदर बहुत बढ़िया कहानी, एक वाइड एंगल वहां पर होता है जो मेकर्स होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं उनके पास, की अच्छे से चीजों को दिखाएं। लेकिन यहाँ पर उस अप्रोच का यूज ही नहीं किया गया। ओवरऑल अगर बात करूं तो हाँ, थोड़ी बहुत आपको नई कहानी देखने के साथ साथ आपको इसके अंदर बोरिंग फाइटिंग सीक्वेंस, एक बोरिंग टर्मिनेटर देखने को मिलेगा एक एवरेज एनिमेशन के साथ। देखो मेरी तरफ से तो इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 5 out of 10। अगर आप लोगों ने ये सीरीज देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँ कि अगर आपने पुरानी टर्मिनेटर लाइव एक्शन मूवीज नहीं देखी है तो आप उनको देखिए, वो काफी ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पर अगर आप कभी खाली बैठे हो, अगर आपने वही देख लिया बस ऐसे ही देखना है तो डेफिनेटली आप इसको देख सकते हो, क्योंकि मैंने कुछ स्किप कर करके इसके 6 एपिसोड देखे हैं क्योंकि उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।